Hey there, you're listening to The Quint. तंग आ चुके हैं कश्मकशे जिंदगी से हम, तंग आ चुके हैं कश्मकशे जिंदगी से हम, ठुकरा न दें जहां को कहीं बेदिली से हम। साहिर लुधियानवी का लिखा ये गाना रिफ्लेक्शन है इस बात की कि जब इंसान ऐसे सिलसिलावार तकलीफों और चैलेंजेस से गुजरता है जो उसके लिए बड़ी आजमाइश का मकाम होता है, तब उसकी उम्मीद वाकई में डगमगाने लगती है। लेकिन उम्मीद के टूटने के बाद क्या? उम्मीद के टूटने के बाद आप दोबारा उम्मीद बांधते हैं, और आपको ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि इसी को जिंदगी कहते हैं। तो आज उर्दूनामा का ये एपिसोड जिंदगी की टूटती बंधती उम्मीदों के नाम है, उम्मीद करने के लिए जो हौसला जरूरी होता है उस हौसले के नाम है, और इसीलिए आज का हमारा वर्ड है आस, यानी कि उम्मीद, होप। द क्विंट और क्विंट हिंदी पर आप सुन रहे हैं उर्दूनामा, मैं हूं फबीहा सैयद। हमारी जो जिंदगी से आस बनी रहती है ना, वो रोजाना हम बरकरार रखने की कोशिश करते हैं, और ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन ये आस बिखरने भी लगती है जब हमारा डेली स्ट्रेस, हमारी तकलीफें पर्सनल या प्रोफेशनल वजहों से, जिस भी वजहों से हों, जब वो सारी प्रॉब्लम्स हमारे हाथों से निकलने लगती है ना, या फिर हमारे साथ ऐसा कुछ होता है जो कि आजकल हो रहा है, जिस तरह की चीजें हम आजकल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ऐसा हमने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। एटलीस्ट हमारी जनरेशन ने तो नहीं किया था, बड़ों से ही सुनते थे कि पार्टीशन हुआ था, जंगे हुई थी, तब ये माहौल था। मतलब ये सारी चीजें हमने या तो किताबों में पढ़ी हैं या फिल्मों में देखी हैं, अपनी जिंदगी में तो हमने कभी इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं किया ना। तो वो जो स्ट्रेस है वो अलग ही लेवल का है, एंड इट्स एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल। शहर, सिटीज लॉकडाउन की गई हैं, मुल्क लॉकडाउन किए गए हैं, बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, ग्लोबल क्राइसिस है, ऐसा हेल्थ क्राइसिस है जिसने दुनिया के 150 से ज्यादा मुल्कों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, और सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हेल्थ सिस्टम इस बीमारी को संभालने की कोशिशें कर रहे हैं, उन कोशिशों में हल्कान हुए पड़े हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसे में अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर एक घबराहट तो है ही। खबरों के बारे में तो कहा जाता है ना अंग्रेजी में कि न्यूज़ इज अ नेसेसरी ईविल, तो न्यूज़ पढ़ना आप बंद भी नहीं कर सकते हैं और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यही खबरें हमारी आंख कान हैं, उन जगहों के बारे में हमें बताती हैं जिन जगहों पर हम फिजिकली नहीं हो सकते, और जिस तरह की सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है ये जानना कि दुनिया में हो क्या रहा है। खबरें पढ़ के घबराहट भी जरूर होती है, लेकिन अब घबरा कर भी आप क्या कर लेंगे बताइए, वो भी तो कितना एग्जॉस्टिंग होता है, कितना स्ट्रेसफुल होता है ना। और वैसे भी आदमी के पास एक ही दिल होता है, एक ही दिमाग होता है, और एक ही जिंदगी होती है, और इसी जिंदगी के बारे में शायरों ने अलग अलग अंदाज में लिखा है, और इन्हीं अंदाज से वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जिंदगी आसान बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है जितना हम बना लेते हैं। जैसे कि नरेश कुमार शाद अपने इस शेर में कह रहे हैं, इतना भी ना उम्मीद दिले कम नजर ना हो, इतना भी ना उम्मीद दिले कम नजर ना हो, मुमकिन नहीं कि शाम अलम की सहर ना हो। यानी इतने भी होपलेस मत होइए, अपनी जो विजन है, अपनी नजर है, उसको इतना नैरो भी मत करिए, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो गम की शाम है इसकी सुबह नहीं होगी। पूरा पॉडकास्ट सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप उर्दूनामा को फॉलो कर सकते हैं गूगल पॉडकास्ट्स, एप्पल पॉडकास्ट्स, स्पॉटिफाई और जियो सावन पर भी।